आपका नहीं लेंगे। एक और बिंदु है जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। अव्वल तो नौकरियां निकालनी नहीं, निकालनी है तो पहले ही फॉर्म कैंसिल। लेकिन अगर उसके बावजूद पेपर होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, उससे आगे अगर चलें, अगर नौकरियां मिल भी जाती हैं तो वो किस तरह से मिल रही हैं, हरियाणा के युवाओं के साथ एक और छलावा कैसे होता है, उसके भी दो तीन उदाहरण देना चाहूंगी छोटे छोटे शब्दों में। 2019 के बाद से जो नौकरियां निकली हैं, उदाहरण के तौर पर एसडीओ की बिजली विभाग की भर्ती जो 2019 में हुई, उसमें 80 पदों में, क्या आपको मैं बता सकती हूँ कितने पद हरियाणा के लोगों को मिले? 80 में से केवल और केवल 2 पद हरियाणा वासियों को मिले। और फिर ये आप जानते हैं, बवाल उठा, हमने सबने शोर मचाया, मीडिया में बहुत निकला, तो फिर ये भर्ती कैंसिल कर देनी पड़ी। अब उसका क्या हो रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं। 2019 में HCS की भर्ती, 1/3 उम्मीदवार हरियाणा के बाहर के भर्ती हुए थे। 2021 में SDO के 180 पदों में, हरियाणा के 180 में केवल और केवल 22 हरियाणा के युवाओं की भर्ती हुई और ये भी फिर कैंसिल किया गया। 19 में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की भर्ती में 18 में से 11 उम्मीदवार बाहर के थे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जनरल कैटेगरी के 23 पदों में से 16 बाहर के थे। 2021 में टेक्निकल एजुकेशन लेक्चरर के पदों में, जनरल कैटेगरी में 157 पदों में से 106 बाहर के लोगों की नियुक्ति हुई। साथियों, हरियाणा केवल एक ऐसा प्रांत है कि हम इतना ज्यादा नेशनल इंटीग्रेशन में विश्वास रखते हैं कि यहाँ स्टाफ नर्स और वेटनरी की पोस्ट के लिए ना तो हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल और ना हरियाणा वेटनरी रजिस्ट्रेशन काउंसिल का पंजीकरण अनिवार्य है। और स्टेटों में है कि उनके स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीकरण अनिवार्य होता है और तभी उनके यहाँ उनकी स्टेट में वो भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी नियुक्ति होती है। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ के लोग यहाँ पर नौकरी पा सकें, यहाँ की एजुकेशन प्राप्त करके यहाँ की नौकरी पा सकें। हाँ, बाहर पंजीकरण, दूसरे राज्यों के पंजीकरण से आप आओ और यहाँ पर नौकरी पाओ। इतना खुला दिल है यहाँ की सरकार का कि अपने लोग तो नजर आते नहीं, अपने कहते हैं कहावत है दिए तले अंधेरा, तो हमारे यहाँ के लोगों को, युवाओं को कुछ मिलना नहीं। साथियों, आज के दिन भविष्य युवाओं के हाथ में ही होता है। हमारे राज्य में युवाओं का क्या भविष्य है? केवल अंधकार ही अंधकार है। राहुल जी ने इन बातों पर ध्यान डाला, बेरोजगारों की आवाज़ उठाई, गरीबों की आवाज़ उठाई। देश भर में उन्होंने पद यात्रा की 3500 किलोमीटर से ज़्यादा, हम सभी लोग उसमें शामिल हुए और आपने देखा कि एक ऐसा ऐतिहासिक वो यात्रा हुई कि हरियाणा में युवाओं में एक नई ऊर्जा आई। तो अब इस ऊर्जा का इस्तेमाल हमने करना है, हरियाणा के युवाओं ने करना है। ये जो भाजपा जजपा की सरकार है, ये अपना मत खो चुकी है। इनके नारों की तरह इनकी हर बात खोखली है। यहाँ पर जब हर बात, हर स्लोगन खोखला साबित हुआ है और इन भर्तियों के हमने आज एक मुद्दा उठाया है हम साथियों ने कि हरियाणा के युवाओं की क्या बदहाली है, बेरोजगारी की दर कहाँ पर है। तो हरियाणा में अगर एडमिनिस्ट्रेशन 2 लाख पद खाली होंगे
तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार भी खोखली हो चुकी है। हर तरह से ये सरकार अपना मत खो चुकी है। आगे का भविष्य हरियाणा के युवा खुद तय करेंगे। इस सरकार का तख्ता पलटकर ये सरकार अपना मत खो चुकी, आने वाला भविष्य हरियाणा के युवाओं के हाथ में है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस सरकार को बाहर करेंगे और हम लोग, कांग्रेस के लोग, हम युवाओं की आवाज़ बनकर, चाहे सीईटी का मामला हो, चाहे दूसरे रोजगारों की बात हो, चाहे यहाँ की शिक्षा की बात हो, हर तरह से हम हरियाणा के युवाओं के साथ हैं और उनकी आवाज़ हम उठाएंगे, उठाते रहेंगे। आप सभी यहाँ पर आए, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।